आप देख रहे हैं न्यूज एंड चैनल, आप सभी का इस्तकबाल है न्यूज एंड चैनल पर। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। थोड़ा सा भाई सामने से डियर, भाई सामने, भाई सामने से डॉ, भाई तेरा सामने से, सामने से डॉ, भाई जा, भाई जा, या आराम, बुलाओ बच्चों को बुलाओ, कौन सी क्लास है? वो क्लास कौन सी आप कौन है? वो क्लास कौन सी है? आप Thank you.
बस सामने से डिए लोग हाथ में नहीं बच्चों का भी खुला है वो देखा बंदा जाके पीछे जो है विंडो खुला है दीवाने बात कर रहे हैं शुरू करो अल्हम्दुलिल्लाह आज गवर्नमेंट हाई स्कूल आजमपुरा 2 उर्दू मीडियम में हैदराबाद पार्लिमानी हलके में जो ये स्कूल आता है आजमपुरा 2 उर्दू मीडियम गवर्नमेंट हाई स्कूल में मैंने अपने एमपीलैड स्कीम से या फंड से 1.5 करोड़ रुपये देकर यहाँ पर 8 क्लासरूम अल्हम्दुलिल्लाह नए तामीर किए गए उसमें एक अलग अलहदा क्लास एक रूम भी है और 8 क्लासरूम एक रूम के साथ साथ 5 बैतुलखला और टॉयलेट भी उसमें बनाए गए हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कि मेरी दाई जानब जो पुरानी बिल्डिंग है वो रोड वाइडनिंग में कम से कम 20 फीट जाएगी तो हमारा इरादा यह है इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का कि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी माकूल जगह है तो मेरी कोशिश ये होगी कि हुकूमत से नुमाइंदगी करके यहाँ पर एक जूनियर और डिग्री कॉलेज को भी शुरू किया जाए और जो मेरे एमपीलैड के फंड्स हैं और जो मुस्तकबिल में इंशाल्लाह आएंगे तो मैं उसको यहाँ पर इस्तेमाल करके एक जूनियर कॉलेज की बिल्डिंग और उसमें क्लासरूम्स उसमें स्टाफ रूम और लैब्स की ज़रूरत पड़ेगी फिर इंशाल्लाह ताला आइंदा इरादा ये है कि उसको डिग्री कॉलेज भी यहाँ पर लाया जाए गवर्नमेंट का तो ये इस कैंपस में काफ़ी जगह है और यहाँ के हेडमास्टर से असातिज़ा से भी मेरी बातचीत हुई है तो इंशाल्लाह ताला इसको इस कैंपस को और अच्छा करना इसको डेवलप करना आज तो खैर यहाँ पर 1.5 करोड़ की लागत से 8 नए क्लासरूम बनाए गए एमपीलैड फंड से और एक अलहदा एक अलग रूम बनाया गया जिसमें 5 बैतुलखला हैं यहाँ पर असातिज़ा का उन्होंने ये भी कहा कि एक अलहदा यहाँ पर जो बैतुलखला टॉयलेट है उसको थोड़ा रिनोवेट करने की ज़रूरत है तो इंशाअल्लाह ताला मैं अपने एमपी फंड से उसको मंजूर करके जल्द से जल्द उसको हम लोग उसको रिनोवेट करेंगे ये जगह बहुत अच्छी है और आप तमाम लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट के स्कूलों में पढ़ने वाले जितने तलबा और तालिबात हैं वो तमाम के तमाम गरीब ख़ानदान से आते हैं और अगर हम इस तरह के स्कूल्स को मजबूत करेंगे तो यकीनन उनकी तालीम में उनके हुसूल तालीम में तालीम के स्टैंडर्ड में बेहतरी पैदा होगी और हमारी कोशिश यही है कि एमपीलैड हो या गवर्नमेंट के फ़ंड हो या एमएलए फ़ंड हो वो ज़्यादा से ज़्यादा तरक्याती कामों में और साथ ही साथ गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं कॉलेजेस हैं उसको मजबूत करने के लिए इस्तेमाल हो क्योंकि बग़ैर तालीम के हम अपने हकूक़ को हासिल नहीं कर पाएंगे ना हमारा मुस्तकबिल ये बच्चे और बच्चियां हैं इनको मजबूत बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इनको तालीम के जेवर से आरास्ता करें ये मजलिस की तरफ से कोशिश की जा रही है ये यही बात की तला आप तमाम को देना था।